एमए फाइनल पेपर थर्ड मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स ऑन एलियट्स एलियट्स पर मेटाफिजिकल पोएट के प्रभाव का वर्णन कीजिए आंसर टी एस एलियट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई मेटाफिजिकल पोएट्स टी एस एलियट पारलौकिक कवियों से ज़्यादा प्रभावित थे इन द मेटाफिजिकल पोएट्स मेटाफिजिकल कवि कवियों में ही फाउंड देयर वॉज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी उन्होंने पाया कि उनकी संवेदनशीलताओं में एक जुड़ाव था दे हैड बोथ इमोशन एंड फीलिंग उनके पास भावना और अनुभव दोनों था वेयर देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जैसे कि अन्य कवियों में संवेदनशीलता की का अलगाव था नो गुड पोएट्री कैन बी वार्न तब तक कोई अच्छी कविता नहीं ली जा सकती है जब तक कि लोगों को उनकी संवेदनशीलता से ना जोड़ा जाए इन हिज पोएम उनकी कविता में देयर इज ए यूनियन ऑफ अपोजिंग एलिमेंट्स विरोधाभासी तत्वों का एक योगात्मकता पाई जाती है व्हेन द यूनिफिकेशन इज थॉट सेंसिबिलिटी जबकि संवेदनशीलता का विचार के साथ जुड़ाव यूनिफिकेशन कहलाता है द मेटाफिजिकल पोएट्स ट्राइड अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड इमेजरी मेटाफिजिकल कवियों ने उचित शब्द और कल्पनाओं को जोड़ने का प्रयास किया था व्हाट डू यू नो अबाउट वेस्टलैंड वेस्टलैंड के बारे में क्या जानती हो द वेस्टलैंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर वेस्टलैंड टी एस एलियट द्वारा लिखी गई विश्व की महान कविताओं में से एक है इन दिस पोएम इस कविता में द पोएट हैज प्रोड्यूस्ड द रियलिटीज ऑफ कंटेम्प्रोरी लाइफ कवि ने मानव जीवन की समकालीन वास्तविकताओं को उभारा है द पोएट हैज टेकन हेल्प ऑफ वेरियस माइथ्स कवि ने कई रहस्यों का की मदद ली है रनिंग थ्रू द क्रिश्चियन सोसाइटी जो ईसाई समाज में विद्यमान थे एंड हैज टेकन सपोर्ट ऑफ डिफरेंट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड और उसने विश्व के कई साहित्यों की मदद ली है इन ऑर्डर टू प्रूव ये सिद्ध करने के लिए दैट द कंटेम्प्रोरी यूरोप कि समकालीन यूरोप जो था इज वेस्टलैंड ये एक वेस्टलैंड था एक बर्बाद जमीन थी जो उस समय रहने योग्य नहीं थी डिस्कस टी एस एलियट एज सिम्बोलिस्ट के रूप में टी एस एलियट की व्याख्या कीजिए टी एस एलियट इज ए सिम्बोलिस्ट टी एस एलियट एक प्रतीकवादी कवि हैं ही गॉट इंस्पायरेशन फॉर सिम्बोलिज्म फ्रॉम यूज इन पोएट्री उन्होंने कविता में उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों से प्रेरणा प्राप्त की है टू क्लेरिफाई द मीनिंग उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ब्रिंग आउट द टोटल सेंस जो पूर्ण भावों को व्यक्त करे सिंबल्स रिप्रेजेंट द आइडियाज उनके प्रतीक विचारों को व्यक्त करते हैं इमोशन भावों को एंड इंटेंशन और इरादों को दे आर ऑफ टू काइंड्स वो दो तरह के हैं ट्रेडिशनल सिंबल एंड पर्सनल सिंबल पारंपरिक प्रतीक और व्यक्तिगत प्रतीक ट्रेडिशनल सिंबल्स आर स्टॉक सिंबल्स पारंपरिक प्रतीक समूह के प्रतीक हैं इन जनरल यू जो सामान्य प्रयोग किए जाते हैं फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर रोज इज ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ ब्यूटी गुलाब सुंदरता का पारंपरिक प्रतीक है पर्सनल सिंबल्स आर दोज नंबर दो व्यक्तिगत प्रतीक हुए हैं विच द राइटर यूजेज जिसको कि कब प्रयोग करता है फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए द टी एस एलियट हैज मेड यूज ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ सिंबल्स टी एस एलियट ने दोनों तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया है विंटर ए ट्रेडिशनल सिंबल ठंडी एक पारंपरिक प्रतीक के रूप में इज ए साइन ऑफ डिसकम्फर्ट जो कि बेचैनी का प्रतीक है इन द वेस्टलैंड में टी एस एलियट यूजेज टी एस एलियट ने प्रयोग किया है फॉर द सेक ऑफ जॉय आनंद के लिए एंड द मॉडर्न वेस्टलैंडर्स और आधुनिक वेस्टलैंडर को विंटर इज प्रेजेंट प्लीजेंट विंटर जो है आनंददायी रूप में व्यक्त की गई है विकास क्योंकि इन द विंटर में देयर इज नो वर्क वहाँ पर कोई कार्य नहीं होता इट इज़ सीजन फिट फॉर सेक्सुअल प्लेजर ऑफ लाइफ ये
जीवन के लैंगिक आनंद लेने के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अन्य बच्चों को फ़ायदा पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।